नमस्कार, आज हम सारीवा इस ड्रग पे बात करेंगे। सारीवा जो ड्रग है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर उसके गुणधर्म क्या है, उसका कर्म क्या है, इसके बारे में आज जान लेंगे। सारीवा दो प्रकार की मिलती है, एक श्वेत और दूसरी कृष्ण सारीवा। दोनों भी सेम गुणों की है, दोनों भी स्निग्ध है, दोनों भी गुरु है और दोनों भी स्वादु है, मतलब मधुर है, यानी मधुर मधुर शीत, ऐसी हमारी सारीवा है। सारीवा को मराठी में अनंतमूल बोलते हैं या उपलसरी बोलते हैं। उसका यूज अग्निमान्दे में यूज किया जाता है। अग्निमान्दे में कौन से अग्निमान्दे में? जो अग्निमान्दे रक्त के कारण हुआ है, रक्त दुष्टि के कारण हुआ है, ऐसे अग्निमान्दे में सारीवा यूज करना चाहिए। उसके बाद रक्त दुष्टि के कारण या रक्त विकारों में अगर अरुचि मिलती है तो ऐसे स्थिति में हमें हमेशा के लिए सारीवा को यूज करना चाहिए। उसके बाद जिस रुग्ण को श्रम श्वास होता है, जैसे हमें पांडु में श्रम श्वास दिखता है, उसी स्थिति में अगर श्वास है तो ऐसी स्थिति में वो श्वास ना लगे, मतलब बल्य बोलकर ही हम बल्यता लाने के लिए ही सारीवा यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को रक्त के कारण यानी हमारे बॉडी से जब रक्त बाहर निकल जाता है, जैसे रक्त पित्त की स्थिति निर्माण होती है या ज्यादा खून जाने के कारण काश होता है, ऐसी स्थिति में खांसी में ये स्थिति की खांसी में सारीवा यूज करना चाहिए। उसके बाद आम विष बोलकर जो हमारे बॉडी में विशेषतः रक्त स्थिति में, जैसे हम कुछ लोगों में देखते हैं, जैसे कि सीकेडी के पेशेंट है, सीकेडी के पेशेंट में जो आम विष निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में सारीवा यूज करना चाहिए। सारीवा क्या है तो दोष त्रय है, तीनों दोषों पे जाने वाली है। उसके बाद वो रक्त पे भी जाने वाली है और स्त्रियों का प्रदर, ये डिसीज कम करने वाली है। ज्वर है और अतिसार। कौन सा ज्वर? जिस ज्वर में रक्त दुष्टि के कारण ज्वर है या कृमि के कारण ज्वर है, ऐसी स्थिति में सारीवा अत्यंत लाभकारी होती है। अतिसार में जो अतिसार रक्त अतिसार है, जिस अतिसार में बार बार टॉयलेट होते हैं और उसी टॉयलेट में अगर खून दिखता है तो ऐसी स्थिति में भी हम सारीवा यूज कर सकते हैं। सारीवा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रक्तज विकार। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, उसके साथ अन्य द्रव्य मिलाते हैं तो उसकी जो एक्चुअल काम है करने का तो वो पूरा कर नहीं पाते। तो जब आपको कंप्लीट सारीवा ही यूज करनी है और सारीवा से ही हमें रिजल्ट दिखने हैं तो हमें सारीवा सिद्ध जल का डेली यूज के लिए रोगी को देना चाहिए, मिनिमम 7 डेज। तो भी अगर उससे ज्यादा से ज्यादा हम 14 दिन तक देना चाहिए, 14 दिन से लेकर हम 2 मंथ तक, 2 मास तक देना दे सकते हैं। ऐसा क्यों? तो कुछ आचार्यों के मानने, जैसे हम कुछ आचार्य बोलते हैं कि 1 या 2 दिन में रस रक्त ये धातु बनते हैं, वैसे ही 14 दिन में रक्त धातु बनता है और वैसे ही 2 मास में भी रक्त धातु बनता है। तो हम 2 मास तक चिकित्सा देनी है तो सारीवा सिद्ध जल 2 मास तक यूज करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।